केवल बेटे का ही धर्म नहीं होता कि तुम अपनी माँ की सेवा करो, माँ बाप का भी धर्म होता है कि आप अपने बेटों के साथ अन्याय ना करें। भरत जी के साथ इनकी माँ ने अन्याय किया। अरे एक बार बेटे से पूछ तो लिया होता कि बेटा तू राजा बनेगा, इसलिए हर जगह बेटा गलत होता है ऐसा नहीं, बहुत जगह माता और पिता भी गलत होते हैं। कई बार मां बाप की गलती के कारण बच्चों को बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है, मां बाप की गलती के कारण बच्चों को बदनामी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मां बाप का भी धर्म है कि वे अपने बच्चों के साथ सदा न्याय करें। आज समाज में कुछ माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे आपको जो एक बेटे से प्यार ज्यादा करते हैं, एक बेटे से प्यार बिल्कुल नहीं करते, एक बहू से प्यार ज्यादा करते हैं, एक बहू से प्यार बिल्कुल नहीं करते। ऐसे माँ बाप को मैं कहूंगा या तो एक ही बेटा पैदा करते और दो चार बेटा पैदा जब पैदा कर लिया है तो प्यार बराबर करो, सेवा सबकी स्वीकार करो, एक में मन लगाना, एक को ज्यादा महत्व देकर दूसरे को इग्नोर करना, दूसरे को नजरअंदाज करना, दूसरे की तरफ देखना नहीं, दूसरे से बात ना करना, दूसरे बच्चे का अपमान करना उसकी गलती ना होने पर भी, ये माँ बाप का अत्याचार ही तो है औलादों पर। क्या ये अत्याचार नहीं है? जो माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं वह माता पिता घोर नरक जाते हैं, घोर नरक में जाकर के पढ़ते हैं। आपका बेटा गलत है, आपके आपका अपमान करे, आपको गालियां दे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे, तो समझ में आता है कि आपने उसे छोड़ दिया, आपने मन से उसका त्याग कर दिया। पर आपका बेटा अच्छा है, सीधा है, फिर भी आप अच्छे सच्चे बेटे को इग्नोर करें तो आप गलत। इसलिए धर्म सिर्फ बच्चों का नहीं, मां बाप का भी धर्म होता है, होता है या नहीं? इसलिए मां बाप अपने बच्चों, कई बार मां बाप ऐसे होते हैं एक ही बेटे को सारी जमीन जायदाद दे देते हैं, दूसरे को जरा सा देते हैं या कुछ भी नहीं देते, तो ये मां बाप का अन्याय ही तो है। जब राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है वह राजा नरक जाता है, और माँ बाप अपने बेटों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो वह माँ बाप भी घोर नरकगामी होते हैं, वह माता पिता भी। इसलिए तुम माता पिता हो तो बेटों के साथ भेदभाव ना करना। यदि तुम्हारा बेटा शराबी है, तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर है, तो बात समझ में आती है कि वो उस धन का दुरुपयोग करेगा, इसलिए आपने उसे नहीं दिया। पर बेटा लायक है फिर भी आपने नहीं दिया उसे, उसके अधिकार नहीं दिए उसको, तो अपराध है। धर्म सबके लिए है साहब, ऐसा नहीं कि धर्म का पालन सिर्फ हम करें, सिर्फ हमारे लिए धर्म है आपके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की परिभाषा सब पर लागू होगी, हमारा धर्म है तो आपका भी धर्म है, हम अपने धर्म का पालन करें, पति का धर्म है तो पत्नी का भी धर्म है, बेटे का धर्म है तो बाप का भी धर्म है, सास का धर्म है तो बहू का भी धर्म है। आप हमारे अतिथि हैं तो आपका भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। हर समय कल मैंने धर्म की परिभाषा आपको और स्पष्ट समझाई थी कि हर स्थिति परिस्थिति पर धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। कैसे? जैसे माँ बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, पर भरत जी आज अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं, यह भी एक धर्म है। यदि बेटा भरत माँ की बात मानकर राजा बन जाते तो भरत अधर्मी कहलाते,
कहलाते ना, हाँ या ना। फिर भरत का नाम जितना सम्मान से आज लिया जाता है, यदि भरत मां की बात मानकर राजा बन जाते तो आज समाज में भरत जी का इतना सम्मान ना होता। तो जिस मां की सेवा करना धर्म है, यदि कैकई जैसी मां है तो उन माओ को भरत जी गाली दे रहे हैं, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए, तो यह गाली भी धर्ममय, कोई अधर्म नहीं। वो समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की गणना की जाएगी कि वो सिचुएशन, वो परिस्थिति क्या थी, आपने ये बात किस स्थिति पर कही। सत्य बोलना धर्म भी है, पर सत्य बोलना अधर्म हो जाता है तब, जो मैंने कल बताया था कि किसी गाय की हत्या हो रही हो और आपने कह दिया कि गाय कसाई से छूट कर गाय इस तरफ गई है, और आपने गाय का सही परिचय दे दिया, पता कि इस तरफ गाय गई है, वो कसाई गाय को पकड़ के मार डालेगा, आपने गाय का सही पता बता दिया, तो सत्य बोलना पाप हो गया, क्योंकि आपके सत्य बोलने से गाय की हत्या हो गई। तो सत्य बोलना भी कभी कभी कहीं कहीं पाप होता है, और कई बार गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े समाज की सेवा रक्षा के लिए, तो आप झूठ बोल रहे हैं गाय की, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तो वह झूठ भी सत्य से बढ़कर है। स्त्री सुनर्म विवाहे छ प्रत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ स्थान पर शुक्राचार्य जी कहते हैं झूठ बोलना ही धर्म, वो कुछ स्थान है। तो यहां धर्म की, धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म की व्याख्याएं कितनी गहरी, कौन सी चीज कहां सत्य है और कौन सी चीज कहां गलत। दाल में नमक डालने से दाल का स्वाद बढ़ जाएगा, पर वही नमक दाल में ज्यादा डाल दिया जाए तो स्वाद बिगाड़ देगा। तो मात्रा होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में डाला जाए, है ना। बस यही है धर्म नमक की तरह, यदि सही जगह पर सही प्रकार के धर्म का पालन किया गया तो वह धर्म आपकी जय जयकार करेगा। अब भरत जी सोच लेते कि मां की बात मानना धर्म है और मां की बात, मां बाप की आज्ञा है कि राजा बन जाओ, तो उनकी बात मान लेते और राजा बन जाते तो वह अधर्म हो जाता। इसलिए एक बेटे ने मां बाप की बात मान ली और एक बेटे ने मां बाप की बात नहीं मानी, तो एक का मानना धर्म था और दूसरे का मानना अधर्म था, इसलिए दूसरे ने नहीं मानी, यही धर्म है। देखो इतना सूक्ष्म होता है धर्म, समझने के लिए जीवन निकल जाएगा तब समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि धर्म क्या चीज है। एक ही बाप के दो बेटे हैं भरत जी और राम जी, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। एक का वनवास चले जाना धर्म था और दूसरे का राजा बनना धर्म नहीं था।